हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे बहुत ही सुंदर सी ड्रेस। और इसके लिए हमने यहाँ पे 2 मीटर फैब्रिक लिया है। ये ऑफ वाइट कलर है। इसकी हम शर्ट बनाएंगे और इसके साथ हम बनाएंगे एक स्कर्ट। तो सबसे पहले हमने डबल फोल्ड किया है। जो ओपन पार्ट है कपड़े का वो हमने अपनी तरफ रखा है और यहाँ पे हम 1.5 इंच अंदर की तरफ लेंगे। और लेंथ में हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पे 24 इंच इसकी लेंथ है तो मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। यहाँ पे हम लेंगे शोल्डर, 7 इंच शोल्डर ले रही हूँ और 7 इंच ही मैं यहाँ पे आर्म होल ले रही हूँ। यहाँ पे हम ये ब्रेस्ट का 4th पार्ट लेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। यहाँ पे हम नीचे की हम सेम ही निशान लगाएंगे तो इन निशानों को हम मिला देंगे। ये हो गई हमारी फ्रंट की आर्म होल की शेप। और अंदर की तरफ हमने 1/2 इंच लेना है और हल्का सा फ्रंट आर्म होल की जो शेप है वो ड्रॉ कर देनी है। स्टिच करते हुए हम फिटिंग में हल्की सी गोलाई डाल देंगे। और यहाँ पे हमें शोल्डर थोड़ा डाउन करना है 1/2 इंच। ये हमारा फ्रंट पार्ट कट चुका है और हमें बचे हुए फैब्रिक पे इसको बिछा लेना है अच्छे से। जो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो हमने फोल्ड कर लिया है क्योंकि हम शर्ट बनाएंगे तो पीछे का तो एक ही पार्ट हो गया, लेकिन फ्रंट में हम सेंटर में बटन लगाएंगे। इसको हम एक बार पिनअप कर लेते हैं अच्छे से। बैक साइड जो हमारा बैक पार्ट है उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे बैक पार्ट ऊपर के लिए और 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। ये हमने सारा कट कर लिया है यहाँ पे। और 1 इंच हम नीचे की तरफ अंदर की तरफ लेते हुए हल्की सी गोलाई में इसको कट कर देंगे और फ्रंट का आर्म होल भी कट कर लेंगे। बैक नेक में यहाँ पे लेंथ ले रही हूँ 1 इंच और इसकी विथ ले रही हूँ 3.5 इंचेस और इसको कट कर देंगे। फ्रंट हम लेंगे 3.5 इंच इसकी विथ लेंगे और 3.5 इंच ही इसकी लेंथ लेंगे और राउंड में इसको कट कर देंगे। यहाँ पे अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। यहाँ पे मैं 16 इंचेस इसकी लेंथ ले रही हूँ और 9 इंच ऊपर की तरफ से ले रही हूँ। थ्री इंच अंदर की तरफ लेते हुए आर्म होल जो है हमारा वो हम शेप उसको ड्रॉ कर देंगे। 1.5 इंच छोड़ते हुए यहाँ से हमने आर्म होल को शेप देते हुए मिला देना है और फ्रंट जितनी हमारी मूरी है उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए मिला देना है और इसी तरीके से हम इसको कट कर देंगे। यहाँ पे हम एक कट लगा लेंगे। यहीं तक हम जो प्लेट्स हैं वो डालेंगे स्लीव्स के ऊपर। ये बनी हुई बहुत ही खूबसूरत लगती है। और हमने जो शर्ट कट करी है इसमें हमने इनर भी कट कर रहा है। अस्तर के साथ हम इसको बनाने वाले हैं। सबसे पहले हमने फ्रंट में जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था उस पट्टी को फोल्ड कर देंगे दोनों को। हमने यहाँ पे दोनों को फोल्ड कर लिया है पट्टी को और हम सबसे पहले यहाँ पे शोल्डर ज्वाइन करेंगे। दोनों शोल्डर हमने 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए जॉइंट कर लेना है। अब हमें इसको चेक करना है कि इसकी लेंथ कितनी है नेक की। ये हमारा करीबन 10.25 आ रहा है। एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं अच्छे से। 10.25 ही आ रहा है ये।
हमने यहाँ पे एक बुकरम की पट्टी ली है, टाइट्रॉन ये पेस्टिंग है, 10 इंच हमने यहाँ पे ले लिया है और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। हल्की सी कॉलर भी हम शेप देंगे, तिरछी वाली कॉर्नर वाली। आप चाहो तो गोलाई में भी इसको कट कर सकते हो। 1/2 इंच हम लेंगे और उसको बाहर की तरफ मिलाते हुए तिरछा मिला देंगे और उसको कट कर देंगे। यहाँ पे डबल फोल्ड फैब्रिक के ऊपर हमने इसको रख लेना है और एक साइड से हमने इसको फोल्ड कर देना है। ये हमारी कच्ची सिलाई है, मोटे बखिए की सिलाई यहाँ पे लगा लेंगे क्योंकि इसको हम बाद में निकाल देंगे। इसको डबल फोल्ड करते हुए फैब्रिक को चारों तरफ इसके सिलाई लगा देंगे हम। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे, हल्के हल्के से कट लगा लेंगे ताकि आसानी से ये फोल्ड हो जाए। 1/2 इंच नीचे हमने एक्स्ट्रा रखना है, इसका सेंटर करना है। सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हमने सबसे पहले ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर देंगे। यहाँ पे भी हम सेंटर में कट लगा लेंगे और कट को कट से मिलाते हुए हम यहाँ पे एक पिनअप कर देंगे इसको और चारों तरफ इसके गोलाई में हम इसको स्टिच कर लेंगे। जहाँ तक हमारी पेस्टिंग ख़त्म हो रही है वहाँ पे हमने मार्किंग कर ली है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको स्टिच करना है। दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। 1/2 इंच ही मार्जिन हमें रखना होता है सिलाई में और जो हमारा ऊपर फोल्डेड पार्ट है उसको हम रखते हुए जो स्टिच हमने नीचे लगाई है ना उसी के ऊपर रखेंगे तो सीधा हम उसको स्टिच कर देंगे। बहुत ही आसानी से ये कॉलर बन के रेडी हो जाता है। यहाँ पे अब हम छोटी छोटी प्लेट्स डालेंगे दोनों तरफ। जहाँ तक हमने कट लगाया है ना वहीं तक हमने ये प्लेट्स डालनी है। ये स्लीव्स आजकल गाइस बहुत ट्रेंड में है, पहनी हुई भी बहुत ही अच्छी लगती है और स्टाइलिश से लुक आता है इसको पहनने के बाद। और दूसरी तरफ भी जो हमने प्लेट्स डालनी है ना डालनी है तो उसको भी हमने उनका जो फेस है पहली वाली प्लेट्स की तरफ ही करना है, एक दूसरे की तरफ ही इनका फेस होना चाहिए। यहाँ पे हमने शोल्डर से में इसको अटैच करना है। पहले हमने सेंटर से सिलाई लगानी शुरू करनी है। एक तरफ पहले हम इसको स्टिच कर लेंगे तो इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी इसको स्टिच कर लेंगे। स्लीव्स में हमने अस्तर अटैच नहीं करा है, सिर्फ जो मेन पार्ट है शर्ट का उसी पे ही हमने अस्तर अटैच करा है। यहाँ पे हमने 3 इंच से एक पट्टी ली है, उसको हम स्लीव्स की उल्टी साइड हमने उसको रख के स्टिच कर लेना है। 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए एक्स्ट्रा को कट कर देंगे और उसको हम सिलाई के ऊपर रखते हुए फोल्ड करते हुए एक स्टिच कर देंगे। यहाँ पे स्लीव्स हम रख रहे हैं 5.5 इंचेस और इसको हम सीधा निशान लगा लेंगे और फिटिंग का निशान लगा लेंगे और उस पर हम ऐसे सीधा ही रखते हुए स्टिच करते चलेंगे। शर्ट में ज़्यादा मार्जिन नहीं हम रखते क्योंकि फिर अगर ज़्यादा मार्जिन रखेंगे तो इसका लुक अच्छा नहीं आता, कर्व अच्छी से नहीं उभरते नहीं है। नीचे से हम जितना हमने लिया था एक्स्ट्रा 1.5 इंच लेते हुए
उसको फोल्ड करते हुए गोलाई में इसको भी हम स्टिच कर लेंगे। ये अब हम बनाएंगे स्कर्ट। स्कर्ट के लिए हमने यहाँ पे 4 मीटर फैब्रिक लिया है। इसकी विथ 42 इंचेस या 43 इंचेस है और ये इसके नीचे किसी भी तरह की लाइनिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये विजिबल नहीं है, ये थोड़ा थिक फैब्रिक है। सबसे पहले हमने एक तरफ से 5 इंचेस फैब्रिक कट करके साइड में रख लेना है, ये हमें बेल्ट में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। बाकी जितना फैब्रिक बचा है उसको हम फोल्ड कर लेंगे, उसकी हम तह लगा लेंगे। जितनी हमारी लेंथ है सबसे पहले हम यहाँ पे मैं 41 इंच रेडी करूँगी और 1 इंच हमारा बेल्ट में जाएगा, तो यहाँ पे 40 इंच पे मैं यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ। बाकी जितना बचा 2.5 इंच इसमें बचा है इसको हम फोल्डिंग के लिए रखेंगे। यहाँ पे मैंने 1.5 इंचेस पे 1.5 इंचेस में पूरी कपड़े पे मैंने निशान लगा लिया है और बॉक्स एक एक निशान छोड़ते हुए हम बॉक्स प्लेट से डाल लेंगे और उसको पिनअप कर लेंगे। यहाँ पे सारी प्लेट्स मैंने डाल ली हैं। हमारा यहाँ पे हमें 32 इंच रेडी चाहिए और हमारा 34 इंच रेडी हुआ है और 1 इंच दोनों तरफ जिप लगाने में चला जाएगा, 2 इंच मार्जिन, 1 इंच दोनों की तरफ और हमारा 32 रेडी रह जाएगा। एक बार हम ये जो पिंस हैं उनको निकालते हुए एक बार स्टिच कर लेंगे सब बॉक्स प्लेट को। अच्छे से सेट करते हुए इस पे सिलाई लगा लेंगे। नीचे की तरफ हम इसको फोल्ड कर देंगे। 2.5 इंच हमने लिया था फोल्ड के लिए, तो निशान साथ के साथ ही हम निशान लगा लेंगे 2.5 इंच पे और उतना ही फैब्रिक लेते हुए फोल्ड कर लेंगे। निशान लगाने से ऐसा है कि सीधा ही फोल्ड हो जाता है, कोई कम या ज़्यादा फैब्रिक फोल्ड नहीं होता। यहाँ पे हम इनको इसको मिलाते हुए स्टिच कर लेंगे सीधा। यहाँ पे हम 7 इंचेस पे एक निशान लगा रहे हैं, वहीं तक हमने सिलाई लगानी है, बाकी हम जो 7 इंच हमने छोड़ा है ना उस पे हम जिप अटैच करेंगे। जिप के लिए मैंने यहाँ पे सिंगल फुट यूज किया है। यहाँ पे हम इसको जिप को सीधा करते हुए एक साथ के साथ एक हम टॉप सीम लगा देंगे। जिप हमारी लग गई है। अब हमने बेल्ट के लिए 4 इंच फैब्रिक लिया है और उसको अंदर की तरफ उल्टी साइड हमने अटैच करना शुरू कर दिया है। 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए इसको हम नीचे की तरफ, हमने बॉक्स ब्लेड का भी ध्यान रखना है, उसको सेट करते हुए ही सिलाई लगाते जाना है।
एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करेंगे, 1 या 1.5 इंच हम रख लेंगे एक्स्ट्रा हुक लगाने के लिए। यहाँ पे हम फैब्रिक को फोल्ड करते हुए सीधी तरफ फोल्ड करके सिलाई पे ही हमने रखना है इसको। फोल्ड करते हुए एक हम सिलाई लगा देंगे इसको। ये हमने 32 मतलब वेस्ट के लिए बनाया है, 32 बेल्ट रेडी है। साइज इसमें सिर्फ लेंथ और बेल्ट की ही 2 माप की ही ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे हम हुक अटैच कर लेंगे। ये स्कर्ट बन के रेडी। ये रहा जी इस ड्रेस का फाइनल लुक, और बताइएगा जरूर कि यह ड्रेस आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।